सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, हिंदी वर्ल्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक के सभी सवालों के बारे में, जो कि हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने पूछे हुए हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी फिनो पेमेंट बैंक लेना चाहते हैं और आपके मन में भी इस प्रकार से सवाल आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए। आपके ये सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से फिनो के बैंक मित्र जो है बन पाएंगे और बड़ी ही आसानी इस पे काम कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले सवाल को लेते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक का जो हम आईडी लेते हैं उसे बनने में कितना टाइम लगता है और कितने दिन में हमें वो मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक जो है बैंक मित्र बनने में कुछ प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में जो है कम से कम 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 7 दिन का टाइम तक लग सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी बैंक मित्र के लिए अप्लाई किया है तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपकी ऑनबोर्डिंग होती है और ऑनबोर्डिंग के साथ साथ आपका वेरिफिकेशन होता है, आपकी केवाईसी प्रक्रिया को वहां पे वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद ही आपको एक जो है इसका बीसी या मर्चेंट पॉइंट दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दूसरा सवाल ले लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा हुआ है कि अगर हम बैंक मित्र बन जाते हैं, इसका आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं, तो हमें इसका डेबिट कार्ड और पासबुक किस प्रकार से जो किट होती है वो किस प्रकार से मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसके बैंक मित्र बन जाते हैं, आपको इसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, अब आपको डेबिट कार्ड और पासबुक की किट लेने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऑर्डर लगाने होते हैं कि आपको कितनी किट चाहिए। आप मिनिमम 10 या जो है इससे ज्यादा भी किट ले सकते हैं। फ्रेंड, जब भी आप किट का ऑर्डर लगाते हैं तो आपके वॉलेट से कुछ चार्ज काटा जाता है, लेकिन फ्रेंड जब आप उन किट के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग कर देते हैं तो वो पैसा आपको तुरंत ही वापस आपके अकाउंट्स में मिल जाता है। तो इसका मतलब यह हो कि जो किट है इसका प्राइस बिल्कुल फ्री होता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक का जो है मर्चेंट यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनता है। सो फ्रेंड्स, ये काफी लोगों के मन में सवाल आता होगा कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्स मैनेजर होते हैं वो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसका जो है आपकी ऑनबोर्डिंग कराते हैं। तो फ्रेंड, इसमें लंबा टाइम लग जाता है और ऑनबोर्डिंग कराने के बाद जो है आपको इसका यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अगले सवाल ले लेते हैं। और फ्रेंड, अगला सवाल यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों ने पूछा हुआ है कि यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक बीसी को कितना कमीशन मिलता है, इसका कमीशन क्या है, कमीशन चार्ट बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसका आपको कमीशन चार्ट दिखा देता हूं कि क्या इसका कमीशन चार्ट है। और फ्रेंड, भविष्य में इसका कमीशन चार्ट जो है बदलता रहता है, तो इसके लिए आप जो है फिनो पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसका कमीशन चार्ट देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको कमीशन दिया जाता है। और फ्रेंड, इस कमीशन चार्ट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप इस कमीशन चार्ट को डाउनलोड कर लीजिए और इस प्रकार से आप देख लीजिए इतना आपको कमीशन मिलता है अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं, या फिर आप यहाँ पे कैश विड्रॉल करते हैं, या कैश डिपॉजिट करते हैं, या फंड ट्रांसफर करते हैं, या माइक्रो एटीएम से काम करते हैं, या फिर आप एईपीएस से विड्रॉल करते हैं, तो आपको इतना कमीशन मिल जाता है। ये आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इस चार्ट में ये आपको बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल आता है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे वहां पे क्या क्या दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसके अलग अलग पैकेज हैं, लेकिन जो यहाँ पे आपको 1500 रुपए में पैकेज बताया जा रहा है, इसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड ही दिया जाता है, इसके अलावा इसमें और कोई चीज आपको नहीं दी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसके जो है माइक्रो एटीएम के साथ जाते हैं तो उसमें जो माइक्रो एटीएम का जो प्राइस है वो इसमें जोड़ दिया जाता है और फ्रेंड उसके साथ आपको वो आईडी दी जाती है। तो फ्रेंड, उसका जो कॉस्ट होता है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन अराउंड में बता सकता हूं कि उसका जो कॉस्ट है वो आपका 6 से 7 हजार के बीच में चला जाता है विद आईडी के। तो फ्रेंड्स, अगर आप केवल यहाँ पे आईडी लेते हैं तो उसका यहाँ पे जो कॉस्ट है 1500 रुपए, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल आता है कि अगर आप एक फिनो के मर्चेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या उपकरण और क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए।
तो फ्रेंड्स आप नोट करके रख लीजिए, मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूं कि सबसे पहले तो आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए आपकी ऑनबोर्ड या केवाईसी के लिए। तो यहां पे आपके पास मॉर्फो होनी चाहिए, ये जरूरी है क्योंकि उसी से आपका ऑनबोर्ड होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास एक लैपटॉप या एक मोबाइल होना चाहिए, तो आपके केवाईसी करने के लिए ये जरूरी है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास जो है यहां पे एक आधार कार्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको जो है जरूरी है एक फिनो पेमेंट बैंक खोलने के लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमारे जितने भी भाइयों ने फिनो पेमेंट बैंक लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो धैर्य बना के रखें, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे एक एजेंट का ऑनबोर्ड होने में जो है आध घंटे से एक घंटे तक का टाइम लग जाता है। तो अगर कोई दिन भर बना के भी बैठे तो वहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लोगों का ही ऑनबोर्ड कर पाता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से ऑनबोर्डिंग होने में टाइम लग सकता है और यहां पे आईडी काफी ज्यादा है तो लगातार ऑनबोर्डिंग हो रही है और एजेंट जो है यहां पे बनाए जा रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स इसका आईडी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अप्लाई कर दीजिए, आपको यहां पे जो है इसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और फ्रेंड इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, तो उसके हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। और फ्रेंड साथ ही साथ नीचे हमने आपको जो है अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें और सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।